हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट जीके क्लासेस। आज की जो हमारी ट्रिक है वो है कर्क रेखा। भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है और विश्व में कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से वीडियो को सुनिएगा और ध्यानपूर्वक अपने जो टेस्ट दिया है मैंने, कुछ क्वेश्चन रखे लास्ट में, उसको सॉल्व करिएगा। तो पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को फटाफट, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, पहला है हमारा कि कर्क रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो पहला पॉइंट है, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर खींची जाती है। सेकंड है, पश्चिम से पूर्व दिशा में कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। थर्ड है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। फोर्थ है, कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिफ्थ है, कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। अब हम एक एक पॉइंट पर कुछ देखेंगे डिटेल से। देखिए, पहला है, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर खींची जाती है। देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी कर्क रेखा, देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। यानी भूमध्य रेखा के जस्ट समांतर क्या है, हमारी कर्क रेखा है। सेकंड है हमारा कि कर्क रेखा जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। तो उस पर हम ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए, कर्क रेखा जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक काल्पनिक रेखा है। तो देखिए, ये हमारा पश्चिम दिशा है और ये हमारा पूर्व दिशा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट है। तो हमारी जो कर्क रेखा है वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाती है, ठीक है। यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर हमारी कर्क रेखा खींची जाती है। थर्ड है हमारा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो हमने एक ट्रिक बनाया, मतलब कि एक इस पर कुछ समझाने के लिए आपको बनाया है मैप के थ्रू। तो देखिए, ये हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये हमारा क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। तो ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर हमारी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। और चौथा हमारा पॉइंट था कि कर्क रेखा जो है भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए मैंने आप लोग की बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, जो देखिएगा। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा छाड़। तो इस ट्रिक को हम बहुत ही अच्छे से देखते हैं। तो पहला है हमारा, मित्र पर गमछा छाड़ पर, मी से है मिजोरम, त्रा से है त्रिपुरा, पा से है पश्चिम बंगाल, आर से है राजस्थान, और गा से है गुजरात, मा से है मध्य प्रदेश, छा से है छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो कितने इजी से हमें सारे राज्य याद हो गए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती, कौन कौन से, मित्र पर गमछा छार, मित्र पर गमछा छार। इसको आप कम से कम नहीं तो 4 बार जरूर से जरूर बोलिएगा, मित्र पर गमछा छार, यानी मित्र पर गमछा छार, ठीक है। तो मी से क्या है, मिजोरम, त्री से है त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, छा से झारखंड। यानी कुल 8 राज्य जिससे हमारी जो कर्क रेखा है भारत से होकर गुजरती है। तो अगर आपसे सीक्वेंस वाइज पूछा जाए तो हम मैप के थ्रू आपको समझाने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, सीक्वेंस वाइज हम कैसे समझेंगे, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। ये हमारा गुजरात है, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा एमपी है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। तो देखिए, जो हमारी कर्क रेखा ये गुजर रही है, ठीक है, कर्क रेखा हमारी क्या है, ये जा रही है, ठीक है। और ये किस किस से होकर जा रही है, गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। तो आपने तो ट्रिक याद कर लिया कि मित्र पर गमछा छाड़, ठीक है। अगर आपके ये नहीं पता है कि कौन सी कंट्री, मतलब कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो आपको सीक्वेंस वाइज लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग मैप में 3-4 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा कि किस राज्य से होकर हमारी कर्क रेखा गुजर रही है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा जो है विश्व में कुल 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से, 18 देशों से विश्व में होकर गुजरती है। तो उन 18 देशों के हम नाम पहले देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। पहला है नाइजर, मॉरिटानिया, लीबिया, अल्जीरिया, माली, चाड, मिश्र, भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ताइवान, ओमान, म्यांमार, हवाई, बहामास। तो हम याद कैसे करेंगे, देखिए, एक व्यक्ति है नई नई कार लेता है, नाइजर से नई कार लेता है, और किस कंपनी का लेता है, कर्क से कार है, ठीक है। और किस कंपनी का लेता है, तो वो लेता है मारुति कंपनी का कार लेता है, ये मारुति कंपनी की उसने कार ले लिया, और लीबिया से ले लिया ठीक है। तो उसने क्या किया, जब कार उसने ले लिया तो उसको लगा अब वो जी रहा है, ठीक है, जी लिया बहुत अच्छे से। तो उसने क्या है, अल्जीरिया से जी लिया, कार लेकर वो खूब घुमा और उसको लगा मैंने जी लिया, यानी जी लिया। फिर इसने एक मालिक को बुलाया, ठीक है, मालिक को बुलाने के बाद उसने क्या कहा, मालिक को सजा दो, ठीक है, कार को सजा दिया मालिक ने। फिर इसके ऊपर क्या किया, उसने चढ़ के पूरे
जगह वो घूमा, ठीक है, चढ़ के चढ़कर पूरी जगह घूमा। उसके बाद उसने कार तो ले लिया, फिर उसके बाद ये उसके दिल में मलाल था कि अब एक बंगला भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक मिस्त्री को बुलाया भारत से, ठीक है, और एक बंगले का निर्माण किया, ठीक है, बंगला बनवाया। और उस बंगले में मैक्सिमम पैसे लगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बंगला बनवाने में कितना पैसा लगता है, तो मैक्सिमम पैसे लगे। कितने पैसे लगे, अरबों पैसे लगे, ठीक है, तो अरब है, ठीक है, दोनों में अरब है, यानी अरबों पैसे लगे। फिर इसके बाद लोगों ने कहा, अब तो तुमने बंगला भी बनवा लिया, अब क्या करो, मुझे मीठा कुछ करवाओ। तो लोगों ने कहा कि चीनी खरीद के हम लोगों का मुँह मीठा करवाओ। तो उसने एक बड़ी चीनी खरीदी और लोगों का मुँह मीठा कराया, यानी चीन हो गया। तो इसके ताई ने कहा कि तुमने इतना ज़्यादा खर्च कर लिया है, अब तुम मान जाओ वरना तुम्हें क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी, ठीक है। ताई ने बोला कि मान जाओ वरना तुम्हें मार पड़ेगी, यानी ओ मान, मान जाओ, मार है, ठीक है, लास्ट में तो मार पड़ेगी। तुम बहुत ज़्यादा हवा की तरह उड़ रहे हो, अभी तुम्हें सारे पैसे को 12 महीने चढ़ाना है। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी, मतलब आपके आंखों के सामने से कर्क रेखा गुजरेगी, कर्क रेखा की बात होगी, तो आप लोगों को तुरंत कार, फिर मारुति, फिर नई, फिर जीरिया, अल्जीरिया, फिर उसके बाद माली चार, फिर बंगला, सारा कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ट्रिक समझ में आई होगी। तो मैंने कुछ अपने क्वेश्चंस इसमें बनाए हैं, तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है, ठीक है, आप लोगों को बताना है कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। भारत, मिस्र, ईरान, लीबिया। तो करेक्ट आंसर आप लोग अपने माइंड में बता दीजिएगा किस देशों से होकर गुजरती है। सर करेक्ट आंसर क्या होगा, ईरान, ठीक है, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती, सॉरी नहीं है, तो हमारा जो कर्क रेखा है वो ईरान से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो इसका हमें आपको करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। तो देखिए, नामीबिया की, ब्राज़ील की, चिली या बांग्लादेश, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस देश से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से, ठीक है। हम लोगों को पता है कि उसने क्या किया, भारत से मिस्त्री को बुलाया और बंगले का निर्माण किया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो ऑप्शन देखिए, मारितानिया, चीन, सऊदी अरब, पराग्वे। देखिए उसने क्या किया, मारुति कंपनी की खरीदी एक कार, और फिर लोगों को चीनी बंगला बनवा लिया, तो चीनी से मुंह मीठा कराया, फिर इसमें बंगला बनवाने में अरबों पैसे लगे थे, ठीक है। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन पराग्वे जो है हमारी ट्रिक में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पराग्वे, ठीक है। इस प्रकार हमने आप लोगों को सारा ट्रिक के माध्यम से कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है और भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।